पार्टी की, वो तो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, लेकिन हमने सबने लिखवा रखा, ये अच्छी बात है लिखवाना। हालांकि उन्होंने सरकार को नोटिस भी जारी किया है, हाँ जवाब मांगा है क्या कहेंगे? ये तो विपक्षी भाव वो है ना सारी, अन्य बात तो सही है। आपका जो नाम है शुभ नाम है वही लिखे हैं आप, उन्होंने जैसे नीलम लिख दिया, भारत सीमेंट लिख दिया, ऐसे नहीं है, इससे कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन आप जो सरकार कह रही है उनका एक मंशा होगा, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा जरूर। भाई आप, आपका नाम नसीर है तो नसीर फल वाले, आपका नाम राहुल है तो राहुल लिख दीजिए आप, या नहीं हमारा नाम शुरू से ही है, सन 1964 से है, आज स्माइल स्वीट्स फल पार से हैं। और मैं समझता हूँ जैसे दूसरे विपक्ष लोग कह रहे हैं भाई नाम का मामला हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, जो समझदार आदमी वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, नहीं देगा। और हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक काम हो, और इसका संदेश अच्छा देना चाहिए कि हमें रहना है, एक चैन है, एक चैन है। हमारे कस्टमर मोहम्मद राहुल भी आते हैं, मोहम्मद सुहेल भी हैं, और आपका ये लगा लीजिए आप, सारे यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, सब कस्टमर हमारे हैं, सब मिठाई आते हैं, हम दिवाली होती है, रक्षाबंधन होती है, सब आराम से प्रेम भाव से रहते हैं। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा धर्म इंसानत का है, इंसानियत का है, ये नहीं कि धर्म फैलाना, ये शुरू से चलता रहा। हमारा तो हिंदुस्तान पूरे दुनिया में फेमस है, देखो कितनी भाषा रहती है और एक साथ रहती है, और कोई गलत काम नहीं बिल्कुल, यहाँ पर कितने सगुन से मुसलमान रह रहा है यहाँ पर, और देख लो कितनी परेशानी में रह रहे हैं। नहीं अब एक चीज मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, उससे पहले कुछ ऐसी दुकानें थी जहाँ पर कुछ और नाम था, बाद में वो नाम बदल दिया गया, तो अब आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसी दुकानें अब नाम चेंज करें या फिर वही नाम रहने की, जो नया नाम वही नाम रखें, और जैसे सरकार करे ये भाई आप अपना नाम खोल के रखें, आप आपका नाम नसीर है तो नसीर रखें, यूं नहीं कि आप नवीन रख दें, नवीन नसीर और नवीन फर्क होता है नहीं, तो मैं चाहता हूँ से रखें आप, कोई इससे प्रभाव नहीं होगा। दूसरा आने वाला कावड़िया हो गया, कावड़ की वजह से तो हो रहा है ये, भाई आगे देखो भाई हमारा कोई यार नाम दिखाई नहीं दे रहा, हिंदुस्तान तो लिखा हुआ है या इंडियन लिखा हुआ है ये मालूम नहीं, ये कैसा है, जैसे इनकी बाधा कावड़ लेकर आ रहे हैं बाधित हो जाती है, वे सोचें इस बारे में कावड़ लाने वाले, हमें कहाँ रुकना है, तो उन्हें कोई ऐसे कंफ्यूज में ना हो कि भाई हम यहाँ हिंदू खा रहे हैं मुसलमान खा रहे हैं, तो इससे ये प्रभाव पड़ेगा हाँ भाई हम हिंदू कहाँ खा रहे हैं। नहीं सही करा सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ करा जी, बिल्कुल ठीक है, आदेश मानना चाहिए। आप कैसे देख रहे थे इस फैसले को कि नाम लिखना जरूरी होगा, हालांकि कई लोगों ने आपत्ति जताई? वो तो अपनी अपनी मर्जी की बात है, तो कोई किसी पसंद पर रोक नहीं लगा सकता जी। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, अब उन्होंने कहा कि नाम लिखना जरूरी नहीं होगा, सरकार से भी उन्होंने जवाब मांगा है, तो आपका क्या कहना है? उन्होंने बहुत अच्छा करा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत बढ़िया है जी, इसमें कोई वो नहीं है। तो अगर नाम जैसे लिखना पड़ता है तो उसके लिए क्या मतलब आपका उस पर क्या सोचना है, क्या सोच है कि नाम लिखना चाहिए? सोच है कोई, वो तो मजबूरी है आदमी की लिखना, अन्य कोई जरूरी नहीं है, तो पहले मेरा तो चेहरे पे लिखा हुआ है, नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है।